पाकिस्तान की हालत 70 वर्षों के इतिहास का परिणाम है। आज पाकिस्तान कैसे भी स्वीकार कर ले, अब दुनिया पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इस मुल्क के झंडे उखड़ चुके हैं और मैदान पर बस खाली डंडे खड़े हैं, जिनके नीचे खड़े होकर पाकिस्तानी मदरसों में बांग तो लगाई जा सकती है, पर वहां से डॉलर की बरसात होगी वह उम्मीदें खत्म हो चुकी है। इसकी वजह यही है कि कभी मदरसा राजनीति का केंद्र रहा पाकिस्तान, अब मजबूरन ही सही उनके रहनुमाओं को जेलों में डाल रहा है। मतलब पाकिस्तानी मदरसों की पैदावार जो मुल्ला दाढ़ी में खुजला कर फूंक मारा करते थे, उनके पेट में इतनी आंत ही नहीं बची है जो हवा का उत्पादन कर पाए। अपनी अमरीकी यात्रा के दौरान पाकिस्तान के भिखारी आजम इमरान खान ने स्वीकार किया था कि उनके यहाँ 30 से 40 हजार नचैया हैं। इसके लिए इस फंटर ने पूर्व की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है और उसे दिवालिया होने से बचाने के लिए इसे किसी भी कीमत पर अमेरिका का आशीर्वाद चाहिए। इसलिए यह भिखारी आजम मदरसा छाप की छवि को बचाने के लिए चारों तरफ तस्वीर पटक रहा है। मतलब जिन गुब्बारों की हवा निकल चुकी है यह उनका रबड़ बैंड बनाने की बातें कर रहा है। दरअसल कट्टरपंथी ताकतों का बढ़ना चिंताजनक है। भिखारी आजम ने अपने देश के आतंकियों के कश्मीर और अफगानिस्तान में प्रशिक्षण लेने का दावा तो किया है, लेकिन पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में आतंकी केंद्र है यह स्वीकार करने में कन्नी काट गई। दरअसल कट्टरपंथी ताकतों का बढ़ना चिंताजनक है, जिसके चलते पाकिस्तानी समाज संकीर्णता और अस्थिरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब पाकिस्तान में देवबंदी जिहादों का ऐसा समूह बन गया है जिसे अलकायदा, तालिबान, हरकतुल अंसार और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे कुख्यात संगठनों का समर्थन प्राप्त है। पाकिस्तान का कुख्यात आतंकी संगठन जमात इस्लामी लाहौर में सैयद मौदूदी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट नामक संस्थान चलाता है। इसका काम इस्लामी चरमपंथियों को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता देना है। यहाँ पर शिजियांग के उइगर समेत उज्बेक और तुर्क प्रशिक्षण लेते हैं। चेचनिया में रूसी सेना से लड़ने वाले चरमपंथी भी यहीं से निकले हैं। इस्लामाबाद का इस्लामिक विश्वविद्यालय भी कट्टरपंथी ताकतों का गढ़ है। वर्ष 1995 में इस्लामाबाद के मिस्र के दूतावास पर ट्रक बम से हमला कर 29 लोगों को मारने वाले अल जिहाद और अलगामा अल इस्लामिया के आतंकी भी विश्वविद्यालय परिसर में ही रहते थे। कराची का न्यू टाउन क्षेत्र में मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिनोरी उपनगर मस्जिद क्षेत्र के जमात उलूम इल इस्लामिया में दूसरे कई देशों से आए विद्यार्थी चरमपंथ और कट्टरपंथ का पाठ सीखते हैं। मुल्ला उमर समेत तालिबान के अधिकांश लड़ाके यहीं से निकले हैं। मुजफ्फराबाद, आलियाबाद, कहूटा, हजीरा, मीरपुर, रावलकोट, रावलपिंडी समेत गुलाम कश्मीर में अनेक आतंकी प्रशिक्षण केंद्र हैं। वर्ष 1993 में पाकिस्तान में बने आतंकी संगठन हरकतुल अंसार का मुख्यालय मुजफ्फराबाद में है। इसके साथ ही इसका एक केंद्र अफगानिस्तान के खोस्त में है। यह कश्मीर के अलावा म्यांमार में भी सक्रिय है। कुख्यात आतंकी संगठन हरकतुल मुजाहिदीन का मुख्यालय पाकिस्तान के सेसाना में है। कारगिल युद्ध में पाक सेना के साथ इस आतंकी संगठन के आतंकी भी शामिल थे। हिजबुल मुजाहिदीन का केंद्र भी मुजफ्फराबाद में है। इस आतंकी प्रशिक्षण केंद्र में जिहाद को केंद्र में रखकर नए रंग रूटों के लिए अखबारों में विज्ञापन सामान्य बात है। पाकिस्तान के इन संगठनों से निकले आतंकियों ने भारत के साथ पूरी दुनिया में कहर बरपाया है, जिसके लिए पाकिस्तान के किसी नेता ने यह नहीं बोला कि उसका देश आतंकवादियों की जन्नत है। पर अब पाकिस्तान की बुरी तरह फटी पड़ी है, इसलिए पाकिस्तान का भिखारी आजम गाल बजा बजा कर खुद को दैन्य बनाकर पेश कर रहा है। मगर इसमें भी इस मदरसा छाप मुल्क की धूर्तता छिपी है, क्योंकि इनकी नसों में जिन मुगलों का DNA है उसमें मक्कारी और गद्दारी दोनों शामिल है। अमेरिका की CIA के डायरेक्टर रहे और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने फिर कहा कि अगर पाकिस्तान अपने देश में चरमपंथ को सुरक्षित पनागारों पर कार्रवाई नहीं करेगा तो अमेरिका इस समस्या से अपने तरीके से निपटेगा, जिसका मतलब है पाकिस्तान का धूर्त वजीर आजम अमरीका का डंडा खाने से पहले ही खुद ही अपना डंडा अपनी तस्वीर पर मार रहा है, जिससे जख्म भी नहीं बने और अमरीका का वचन भी पूरा हो जाए। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।